क्यों गंगा मैया, मैं ना कहता था कि हमारा राज जरूर आएगा और जब आएगा तभी हमारे घर बनेंगे। अरे हमारा बेटा है। भैया हम तो समझते थे कि तुम सूट बूट पहनकर हमें भूल गए। अरे क्या बात करते हो, एक बार जो फुटपाथ पे सो गया कभी हम फुटपाथ वालों को भूल सकता है। अच्छा राजू भैया ये तो बताओ कि हम लोगों के घर कब बनेंगे? घर? हाँ हाँ, तुम्हारे इश्तेहार ने तो सारे शहर में खलबली मचा दी है राज भैया। इश्तेहार? मेरा इश्तेहार? अरे हाँ हाँ राज भैया, ये देखो ना। अरे ये तो अपने घर से भी प्यारा है। राज भैया ये देखो, ये देखो अपना घर, 100 रुपए में अपना घर। अब कोई फुटपाथ पर नहीं रहेगा। बेघरों के लिए खुशखबरी, जनता के लिए जनता कर, सिर्फ 100 रुपए में। आपका सेवक राजकुमार सक्सेना, जनता घर के सोनाचंद मिल चुके। राज भैया जिंदाबाद, 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 राज भैया जिंदाबाद। क्या मैं पूछ सकता हूँ सेठ सोनाचंद धर्मन, ये इश्तहार मेरे नाम से किसने दिया और इसका क्या मतलब है? तुम राजमहल से क्यों चले आए? माया तुम्हारी बड़ी शिकायत कर रही थी। माया को यूं ठुकराना अच्छा नहीं। 100-100 रुपए का घर, ये इश्तहार तो आपने मेरे नाम से दे दिया लेकिन इस बात का यकीन कौन करेगा? 100 रुपए में मकान कैसे बन सकता है? तुम्हें किस उल्लू ने यह कह दिया कि मैं मकान बना के दूंगा? मैं घर नहीं बेच रहा हूँ राज, एक सपना नीलाम कर रहा हूँ। जानते हो इसी बंबई शहर में 1,00,000 आदमी फुटपाथ पर सोते हैं। इन 1,00,000 इंसानों की एक आरजू, इनका अपना एक घर हो, समझे? इसलिए गरीब से गरीब भी किसी ना किसी तरह 100 रुपए जमा करके हमें दे जाएगा ताकि हम इनका एक घर बना दे। सेठ सोनाचंद धर्मानंद, इस 420 के धंधे में मैंने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए। पत्ते लगाए, बोगस गोल्ड कंपनी के शेयर बेचे, सट्टे के नंबर उलट पलट किए, मगर मुझे ये नहीं मालूम था कि एक दिन तुम मुझसे ये कहोगे कि गरीब आदमियों को धोखा देकर तुम्हारी खता नहीं पहुंची। अच्छा, कैसी बातें करते हो राज, इस नई दुनिया में अमीरों और गरीबों का भेदभाव रखना ही नहीं चाहिए। हम जैसा सलूक अमीरों के साथ करते हैं वैसा ही गरीबों के साथ करना चाहिए। तुम्हारा ख्याल है कि इस जलील काम में मैं तुम्हारा साथ दूंगा? हाँ, इसके सिवा तुम कर ही क्या सकते हो। मामला बड़ा बेढब है। पत्ते लगाए किसने? तुमने। ये राज 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 कंपनी चलाई किसने? तुमने। तो ले लीजिए अपनी गोल्ड कंपनी और बैंक में जितना रुपया वो भी ले लीजिए, सब कुछ ले लीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मैं सिर्फ मन की शांति चाहता हूं। मैं आपके साथ काम नहीं करना चाहता। सुना, मैं आपके साथ काम नहीं करना चाहता। तुम समझते हो कि मैं कच्ची गोलियां खेला हूं राज, मैं चाहूं तो तुम्हें यूं खत्म कर सकता हूं। इस बोगस तिब्बत गोल्ड कंपनी की हर शेयर पर तुम्हारे दस्तखत है, मेरे नहीं। और जानते हो तुम्हारी बोगस कंपनी के 50 शेयर मैंने खरीद रखे हैं। सबसे पहले धोखे का मुकदमा तुम पर मैं चलाऊंगा, दफा 420। नो राज, नो, अब तुम इस चक्कर से नहीं निकल सकते।